हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आप लोग का दोस्तों चैनल का होस्ट प्रांत। दोस्तों फाइनली गेमिंग न्यूज़ #49 आ गया है इस चैनल के ऊपर, और इस वीडियो के अंदर जो जो भी गेम्स के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल करके आए हैं वो सारे भी आपको पता चलेंगे, और बाकी के जो गेम्स की डिमांड आप लोग करते हो उनकी भी बात इस वीडियो में आज मैं करने वाला हूँ। तो वीडियो यार बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है, पूरा एंड तक एकदम ध्यान से देखते रहना। जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग में तो आपको बोलूंगा कि इस चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर दोस्तों आपके लिए मैं सारे के सारे एंड्रॉइड और पीसी गेमिंग के वीडियोस एकदम जल्दी लेकर के आ जाता हूँ। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो गारंटी देता हूँ यार फायदे में जरूर से रहोगे। तो चलिए गाइस अब शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो कि गेमिंग न्यूज़ #49 है। तो आप लोग को वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए। सो गाइस देखो, सबसे पहले तो जो गेम निकल करके आ रहा है आज की गेमिंग न्यूज 49 में, उसका नाम है अरेना ब्रेकआउट। और ये गेम मैं आपको सबसे पहले इस वजह से भी बता रहा हूँ क्योंकि अभी 13 मार्च को ही ये गेम का जो ग्लोबल क्लोज बीटा टेस्ट है वो शुरू होने जा रहा है। स्क्रीनशॉट भी आप लोग साफ देख सकते हो यहाँ पे। एक्चुअली में ये गेम भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से जो है वो लाइन के अंदर लगा हुआ है। 2019 से ही ये भी जो है वो लाइन में लगा हुआ है। इसके तरह तरह के बीटा वर्जन्स आ रहे हैं और लगातार जो है वो टेस्टिंग चल रही है। लेकिन अभी ये जो कहा गया है यहाँ पे कि ग्लोबल टेस्ट है ये, तो एक तरीके से अच्छी बात है। अभी ये जल्द से जल्द जो है वो ग्लोबल वर्जन में भी आपको देखने के लिए 2023 के अंदर ही मिलने वाला है। तो अभी 13 मार्च से तो आप लोग इसको जो है वो iOS वाले जो है वो इसको खेल सकेंगे। एंड्रॉयड वाले में भी यहाँ पे जो है वो आपको पता था कि ये गेम आया था, अभी iOS वालों की बारी है। और इसके बाद में हो सकता है यहाँ पे कि इसका जो है वो ओपन बीटा भी आए, फिर सॉफ्ट लॉन्च आएगा, उसके बाद जाकर के ग्लोबल वर्जन आपको मिड या फिर एंड तक के देखने के लिए 2023 में मिल सकता है। और ये गेम के ग्राफिक्स भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट अभी इसके अंदर चल ही रहा है, क्योंकि देखो आपको पता है कि टेस्टिंग कभी भी जो भी गेम की होती है तो एक के बाद एक जब उसके बीटा वर्जन आते हैं तो वो इम्प्रूवमेंट्स के साथ में यहाँ पे आते हैं। तो इस वजह से ये गेम भी काफ़ी बेहतर हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर। अब देखने वाली बात रही कि कितना ज़्यादा ये गेम जो है वो चलता है और इसके डेवलपर्स को कितना प्रॉफिट इससे होता है और अपने को कितना मज़ा यहाँ पे आता है, क्योंकि मेन बात तो अपनी ही है। अगर अपने को मज़ा ही नहीं आएगा तो फिर ये गेम चलेंगे ही नहीं, है कि नहीं। तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा मेन बात है। अभी खैर ये गेम की न्यूज़ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। ओके, अब दूसरे गेम की बात करूँ दोस्तों मैं यहाँ पे, तो वो है इंडियन गेम की न्यूज़ और उसका नाम है इंदूस बैटल रॉयल। अब इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि इसमें कोई ज़्यादा कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, ये छोटी सी एक न्यूज़ निकल करके आई है यहाँ पे, जो कि कैरेक्टर्स को लेकर के। अब इसके गेम के अंदर दो नए कैरेक्टर्स जो है वो रिवील्ड कर दिए गए हैं। और एक बात मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि इस गेम का जो डेवलपमेंट है वो बाकी अन्य जो दूसरे इंडियन के गेम्स हैं उनसे कई ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। इसके डेवलपर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, लगातार जो है वो इसके अपडेट्स वो लोग देते रहते हैं और जल्द से जल्द ये गेम जो है वो लोग रिलीज़ करेंगे, ऐसा भी उन लोगों ने बोला हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे ये भी क्लियर कर दे रहा हूँ कि जल्द से जल्द रिलीज़ कर देंगे वो तो उन्होंने बोला हुआ है, वो तो हर एक डेवलपर बोलते ही है। वो तो रॉकस्टार गेम्स की भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो वो तो 1.5 साल से बोल रहा है यार कि GTA ट्रायलॉजी आ जाएगा, लेकिन उसका अभी तक के कोई पता है नहीं। तो इसी वजह से ये हर एक डेवलपर बोलते हैं, लेकिन ये जो गेम है इंदूस बैटल रॉयल, इसके मोस्ट ऑफ द चांसेस है रिलीज़ होने के 15 अगस्त 2023 को। बस उससे पहले तो यार ना के बराबर चांसेस है। और जो कुछ भी होगा वो तो छोटे मोटे ऐसे जो अपडेट्स अभी देखने को मिले आपको वैसे ही लगातार मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो आगे भी मिलेंगे 15 अगस्त तक के। खैर जब भी गेम आए, गेम यार मस्त आना चाहिए, क्योंकि यार फिर वो जो है ना, अगर गेम मस्त नहीं आता ना तो फिर यार मूड ऑफ हो जाता है सबका, और ये जो गेम भी होते हैं वो फिर ज़्यादा टाइम तक चलते नहीं है और फ्लॉप यहाँ पे हो जाते। तो ये सारी चीज़ें ना हो तो अच्छा रहेगा। देखते हैं अभी 2023 के आने वाले टाइम में क्या क्या अपने को इसके गेम के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब तीसरे गेम की जो न्यूज़ है दोस्तों उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ, और वो है नेटिस की तरफ से आने वाला गेम जिसका नाम है एस रेसर। देखो यार, रेसिंग गेम जो है ना यार, अभी काफ़ी लंबे समय से आपको कोई भी जो है वो ग्लोबल वर्जन के अंदर देखने के लिए नहीं मिले हुए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एस्फाल्ट 9 लीजेंड्स के बाद में, उसके बाद तो एक भी आपको ग्लोबल वर्जन में कोई गेम देखने के लिए नहीं मिला हुआ है। और जो मिला भी था वो था अपना प्रोजेक्ट कार्स गो करके, जो कि आया था बहुत पहले ही आया था वो तो, लेकिन वो भी कुछ चला नहीं, वो तो पूरी तरह से डिज़ास्टर माना गया। और बाकी के जो गेम्स आए थे अभी छोटे मोटे वो भी इतने कुछ चले नहीं। अभी ये जो एस रेसर है और उस रियल रेसिंग नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स का, उसका भी डेवलपमेंट चल रहा है। देखो डेवलपमेंट जो है ना वो हर एक गेम का चल ही रहा है ऐसा डेवलपर्स बोल रहे हैं, हर एक गेम का डेवलपर चल रहा है ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। लेकिन अब वो सही में चल रहा है या नहीं चल रहा है वो अपने को थोड़ी ना पता,
तो इसी वजह से अब देखो डेवलपर की भी बातों पे जो है ना यार यकीन होना एक तरीके से जो है वो मुश्किल सा हो गया है, क्योंकि डेवलपर कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ बोलते हैं। आज अगर वो लोग बोलते हैं कि हम लोग इस महीने के अंदर गेम रिलीज़ करेंगे, लेकिन बाद में वो लोग बोलते कि नहीं यार उस गेम को जो है वो डिले करना पड़ेगा, ऐसा वैसा फलाना ये वाला रीज़न है इसकी वजह से। तो इस वजह से ये भी जो है वो भी इनके ऊपर भरोसा करना भी मुश्किल सा हो रहा है धीरे धीरे। पहले क्या होता था कि जो वो लोग बोलते थे उस टाइम के ऊपर वो लोग कर ही देते थे गेम को लॉन्च, और एक भी प्रॉब्लम नहीं होते थे और एकदम ज़बरदस्त गेम आया करते थे। लेकिन अब गेम जो है वो आ भी नहीं रहे हैं और जो डेवलपर बोल रहे हैं उसके ऊपर तो वो खरे ही नहीं उतर रहे हैं कि नहीं। तो इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम भी अभी चल रही है। लेकिन खैर अभी ये जो एस रेसर है ये आपको दोस्तों 16 मार्च 2023 को देखने के लिए मिल रहा है बीटा वर्जन्स के अंदर। कहाँ से डाउनलोड कर सकोगे सीधा बता दो, गूगल प्ले स्टोर से आप लोग ले सकते हो, और iOS है तो उसमें भी आपको ऐप स्टोर पे वो गेम देखने के लिए मिल जाएगा। पूरी तरह से फ्री गेम है, कोई भी आपको पैसे लगाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो अभी देखते हैं ये गेम कैसा होने वाला है, किस तरीके के ग्राफिक्स आपको मिलेंगे, आप लोग इसको 16 मार्च से खेल सकोगे, ठीक है। सो गाइस अभी देखो जो फोर्थ गेम निकल करके आ रहा है उसका नाम है डेविल मे क्राई मोबाइल। अब इस गेम का आप लोग को पता था कि ये जो गेम है वो इंग्लिश वर्जन के अंदर आपको देखने के लिए मिलने वाला है, और अब फाइनली आज के दिन इसका एक नया जो है वो स्ट्रीम होने जा रहा है, यूट्यूब के ऊपर ही होने वाला है, और इस इवेंट के अंदर आपको पता चलेगा इसके रिलीज़ डेट के बारे में। स्क्रीनशॉट मैं आपको क्लियर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हो, ऑफिशियली ट्वीट करके इसके डेवलपर्स ने जो है वो बता दिया है कि ये जो इवेंट्स होने वाले हैं अभी आज 8 तारीख है बराबर, तो आज भी इवेंट होने वाला है और कल भी दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, ये जो दो कंट्रीज़ आपको दिखाई दिए थे स्क्रीनशॉट में उनमें होने वाला है। तो वो सारी की सारी जो रिलीज़ डेट की डिटेल्स है उसके अंदर पता चल जाएगी, और कौन से कंट्रीज़ के अंदर कब से और कितने टाइम तक के ये बीटा वर्जन चलेगा इस गेम का वो आपको पता चलेगा। आज मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि आज ही तो उनका इवेंट है और अभी तक तो इवेंट हुआ ही नहीं है, तो इसी वजह से वो जब भी होगा वो मोस्टली कल तक के अपने को पता चलेगा, 9 तारीख तक के या 10 तारीख तक के, उसके बाद में आपको आने वाले वीडियोस के अंदर मैं बता दूंगा। ऐसे तो आप लोग को पता चल ही जाएगा, आप लोग चेकआउट कर लेना इनके ट्विटर वगैरह पर जाकर के, वो आपको मिल जाएगा। डाउनलोड कैसे करना है उसके ऊपर सेपरेट वीडियो आएगा जब ये गेम आ जाएगा, तो ठीक है बस उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है इस गेम को लेकर के जो अभी मैंने आपको बताया, तो इसको देख करके यार आप लोग खुश तो ज़रूर से हो ही गए होंगे, ठीक है। अच्छा अभी जो अगला गेम निकल करके आ रहा है वो उसी डेवलपर्स की तरफ से जिसके ऊपर बहुत सारे लोग, यानी पूरी दुनिया में से अगर मैं देखूं तो 70% जो लोग हैं यार वो तो इस डेवलपर को जो है वो जान से मारने के ऊपर जो है वो तुले हुए हैं। उस डेवलपर का नाम है रॉकस्टार गेम्स, ठीक है। तो ये जो डेवलपर्स है इन्होंने अभी जो है वो इसके जो रॉकस्टार इनसाइडर है इसके अंदर ये न्यूज़ निकल कर के आई है कि इसके एक लीकर ने बोला है कि 2024 के लेट में GTA 6 को रिलीज़ करने का प्लान है ये रॉकस्टार गेम्स का। ऑफिशियल जो है वो ये न्यूज़ निकल कर के आई है, और ये न्यूज़ को हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि ये एक तरीके से इनसाइडर के थ्रू निकल कर के आई है, ठीक है। अभी देखो ये न्यूज़ तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना लेट 2024, वो आप लोग खुद ही समझ जाओ, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो लेट 2024 अभी लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि वो 2025 से पहले वो रिलीज़ नहीं करेंगे। जैसे ही लेट 2023 आएगा ना, यानी अक्टूबर नवंबर जब आएगा ना, तो वो लोग बोल देंगे कि नहीं यार अभी भी ये है वैसा है, अभी भी गेम में ये कमी है, ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं, यही सारी जो है वो कहानी उस टाइम के ऊपर वो लोग बोलेंगे और 2025 में वो गेम आपको देंगे। बहुत ही ज़्यादा रेयर चांसेस है 2024 में रिलीज़ होने के। और इस साल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इस साल तो सिर्फ टीसर का कुछ अनाउंसमेंट आपको 2023 के अक्टूबर नवंबर तक के देखने के लिए मिल सकता है। छोटे से छोटा अनाउंसमेंट की ही उम्मीद रखो बस, बाकी ट्रेलर की भी उम्मीद नहीं रखने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ की उम्मीद रखो मत इस रॉकस्टार गेम्स से, ठीक है। पूरी तरह से यार ये लोग जो है वो लोगों को उदास करने पे तुले हुए हैं। जब से कोविड आया है, जब से 2020 से लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके बाद से इनका दिमाग आउट हो चुका है और ये लोग जो बोलते हैं उस पर कभी भी ये लोग खड़े नहीं उतरते, हर चीज़ झूठी साबित हो रही है इनकी तरफ से। तो इस वजह से उम्मीद 0% रखना इनसे, ठीक है। तो देखो दोस्तों अभी तक के जितने भी गेम्स के न्यूज़ मैंने आप लोग को बताया इस वीडियो के अंदर, तो वो उन गेम्स के न्यूज़ बताए जिनके ऑफिशियल लीक्स और
ऑफिशियल डेवलपर्स की तरफ से न्यूज़ निकल करके आई हुई थी, ठीक है, वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिया। अब चलिए बात करते हैं उन गेम्स की जिनकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अभी बिल्कुल भी निकल करके आई हुई नहीं है। तो उन गेम्स के नाम है, सबसे पहला नाम है वैलोरेंट मोबाइल गेम, दूसरा है कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन मोबाइल, तीसरा है गैंगस्टर न्यूयॉर्क मोबाइल गेम, चौथा है GTA 4 का मोबाइल एडिशन, और पांचवें नंबर के ऊपर आता है आपका रियल रेसिंग नेक्स्ट, और उसके बाद अगर बात करें तो वो आता है रेसिंग मास्टर, जो कि नेटिस की तरफ से ही आपको देखने के लिए मिलने वाला। तो ये सारे के सारे जो गेम्स हैं इनकी एक भी परसेंट कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल करके आई हुई नहीं है। जो न्यूज़ गेमिंग न्यूज़ #48 में आपको मिली थी, बस आज भी वही न्यूज़ है, उसमें कोई भी चेंजेस हुआ हुआ इनकी तरफ से नहीं है इन गेम्स के अंदर, ठीक है, समझ गया क्लियरली। तो ज़बरदस्ती का ये वीडियो लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत मेरे को है नहीं, शॉर्ट वे में मैंने आपको बता दिया कौन से गेम्स की न्यूज़ आई हुई है, स्टार्टिंग में ही बता दिया, और जिन गेम्स की न्यूज़ नहीं आई हुई है वो आपको अभी मैंने नाम लेकर के बता दिया, ठीक है। लास्ट में बात करेंगे यहाँ पे GTA ट्रायलॉजी मोबाइल की, तो आज है 8 मार्च 2023, लेकिन अभी तक के भी कोई अनाउंसमेंट रॉकस्टार गेम्स और टेक टू की तरफ से आया हुआ नहीं है निकल करके, और अभी ये जो गेम है वो कैंसल भी हुआ हुआ नहीं है, प्लस इसका जो डेवलपमेंट है वो भी चल रहा है, इसके इवेंट के अंदर अपने को पता चला था, बस उसके अंदर भी कोई चेंजेस हुए पे नहीं है। और जिस तरीके से यहाँ पे रिलीज़ डेट की इन्फॉर्मेशन अभी चल रही है तो वो यही है कि अर्ली मार्च 2023 से लेकर के आपको मिड तक के ये देखने के लिए मिलने वाला। तो इसी वजह से मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन भी कि 15 से 25 मार्च मेरे को लग रहा है कि वो रिलीज़ हो जाएगा। अब देखते हैं कब वो रिलीज़ होता है, कौन सी तारीख के ऊपर, लेकिन मार्च 2023 ही उसकी रिलीज़ डेट है आज की तारीख में भी, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट डिटेल में अगर आपको जानना है तो आपको सेपरेट वीडियो देखना पड़ेगा इन GTA ट्रायलॉजी मोबाइल के वीडियोस इसकी न्यूज़ के, ठीक है। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया हर एक गेम की, और जो भी डिमांड थी आप लोग के सारे कवर हो गए, और वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से प्रेस कर दे। चलिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।